तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसको देखकर हम लिखेंगे कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी एंड कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी ठीक है एनोड पे क्या होता है एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन सो ऑक्सीडेशन किसका हुआ जेड सॉलिड जा रहा है जेड एन टू प्लस में मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन तो यहां पर लिखेंगे बेटा जेड गिव्स यू जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन और ये क्या हुआ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें ये ध्यान रहे बेटा हम यहां पर लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्स या फिर अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखें तो कितना होता है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्स राइट एंड के तौर पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बेटा ए जी टू ओ प्लस एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पर होगा रिडक्शन इट विल गिव यू ट्वाइस ऑफ ए जी प्लस ट्वाइस ऑफ ओ एच माइनस अब अगर आप इन दोनों रिएक्शन को एड करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिल जाएगी ये ओवरऑल रिएक्शन अब आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल या फिर हम कहेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड अब क्या करना है अब ई नॉट एनोड तो आपको गिवन है लेकिन जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है उसके लिए क्वेश्चन में आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है तो जब तक आपको इसकी ई नॉट की वैल्यू नहीं पता होगी बेटा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे तो यहां पर ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए जो होती है जीरो पॉइंट थ्री फोर ये वैल्यू अगर आपको गिवन होगी तो ही हम ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे तो ये वैल्यू लेके हम यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट आर आर पे कौन होता है बेटा कैथोड सो so, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कितना है जीरो पॉइंट थ्री फोर माइनस लेफ्ट साइड पे है एनोड उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स सो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्स कैल्कुलेट कर लेंगे इसको कितना आएगा जीरो पॉइंट थ्री फोर प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स E फॉर्मुला क्या होता है डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल ई नॉट सेल की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है एन क्या हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन वो है टू इलेक्ट्रॉन सो यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन इज टू एफ की वैल्यू कितनी होती है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ऑफ सेल बस आप सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना आएगा माइनस टू पॉइंट वन टू थ्री इन टू टेन टू जूल पर मोल अगर आप चाहें तो इसको किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा जूल को करना है किलो जूल्स में तो डिवाइड करेंगे वन थाउजेंड से मतलब डिवाइड करेंगे टेन टू द्री से ऊपर है टेन टू दाइव तो कितना हो जाएगा टेन टू दाइव माइनस थ्री मतलब टेन टू दू तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टू वन टू पॉइंट थ्री किलो जूल पर मोल मैंने क्या किया टेन टू दार टू से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आंसर आया आपके पास ये और एक आंसर आया आपके पास ये ठीक है क्वेश्चन समझ आया मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय